वेलकम टू एडु ज्योति। आज का वीडियो में मैं आप लोगों के साथ त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन चल रहा है उसके बारे में कुछ गाइडलाइंस शेयर करने वाला हूँ और कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मेरे वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और नया वीडियो मिलने के लिए बेल आइकन का भी दबा देना। आज का वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फुल गाइडलाइंस को लेके कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा और इसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, कोई दुकान पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप घर बैठ के ही वो फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे चाहिए, चलिए इसके लिए आपको गूगल में जाके आपको यहाँ पे जो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का जो पेज यहाँ पे खुलना है। जब आप लोग वो पेज खुलोगे इसके बाद देखिएगा ऐसे स्क्रीन आपके पास शो हो जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ऐसे करके आपका जो स्क्रीन आपके पास शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको देख लेना है कि कहाँ पे आपको जाना है, कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन आपको लेना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, इस बारे में मैं आप लोगों के साथ हेल्प करूँगा। देखिएगा पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि देखिएगा जब आपको ये पेज खुलेगा, मैं अभी डेस्कटॉप में खुला हूँ, अब अगर आप लोग मोबाइल में खुले हो तो अच्छा हो। यहाँ पे देखिएगा नीचे जो एक नोटिफिकेशन, एक नहीं दो तीन नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रहा है न्यू लेख का, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पे चेक कर लेना है कि एडमिशन लेके कुछ गाइडलाइंस चेंज हुआ है कि नहीं। यहाँ पे देखिएगा एक गाइडलाइंस यहाँ पे न्यू लेख के आ रहा है, आने के हाँ आ रहा है। यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आ चुका है, इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आ रहे हैं। कोरिएंडम टू एडमिशन एडमिशन नोटिस 2020-21, वो जो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे इसके बाद आपके पास जो ये लोडिंग हो जाएगा, जब लोडिंग हो जाएगा इसके पास जो आपका जो गाइडलाइंस है वो आपके पास शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कोरिजेंडम दिया है तो एडमिशन नोटिफिकेशन वो 12 तारीख को नोटिफिकेशन दिया गया है कि कोविड-19 के लिए उन लोगों ने कुछ एडमिशन का रूल्स चेंज कर रहा है। देखिए मैंने बहुत सारे वीडियो देखा हूँ, यहाँ पे बोला गया कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। देखिए पहले बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ से फॉर्म फिलअप जो था मई तक था 31st में, यहाँ पे 30 जून तक उसको एक्सटेंड किया है, ठीक है। तो कुछ दिन बाकी और भी है। और यहाँ पे देखिएगा और एक बोला गया कि एंट्रेंस एग्जाम के बोला है मे बी कैंसल, ऐसे भी कैंसिल बोल के कुछ भी नहीं बोला, मे बी हो सकता है कैंसिल। तो इसलिए आपका जो प्रिपरेशन चलना चाहिए अगर ऐसे भी होगा तो इसके लिए आपको भी परेशानी फेस करना पड़ेगा। अगर नहीं हो तो अच्छा है। देखिए यहाँ से कुछ भी बोला गया है कि यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट वगैरह होगा उसको भी आपको यहाँ पे अटैच करके देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा बोला गया कि आपका जो डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, आपका जो मार्कशीट भी होगा और आपका जो क्वालिफिकेशंस का मार्कशीट होगा इसको आपको ऑनलाइन की अपडेट कर देना है। अगर आपको प्रोविजनली कुछ भी मार्कशीट, आपको ऐसा भी हो सकती है रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, रिजल्ट डिक्लेयर बाद में भी हो सकते, इसके लिए बोला है कि आप जब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको भी सबमिट करने पड़ेगा, ठीक है। ऐसे भी बोला गया कि देखिए यहाँ पे पोर्टेबल पब्लिकेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बोला गया कि जुलाई 20 तक उसका जो फाइनल लिस्ट आ जाएगा। इसके बाद और एक बात बोला गया कि क्लास स्टार्ट हो सकते हैं 1 सितंबर से, वो अप्रोक्सीमेटिव एक डेट बोला गया, ठीक है। तो बोला गया कि काउंसिलिंग जो है एडमिशन फ्रेश स्टूडेंट लास्ट वीक ऑफ अगस्त, जो अगस्त का लास्ट वीक में हो सकते और सेप्टेम्बर में से क्लास स्टार्ट हो सकते। ऐसे जो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं हो तो प्लीज़ उस नोटिफिकेशन को पहले से देख लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन में कुछ चेंज उन लोगों ने बदलाव लाया है तो इसको क्या क्या चेंज लाया है आप खुद ही देख लीजिएगा। इसके बाद आपको जो एडमिशन के लिए आप सोच रहे हैं कि अगर देखिए जो स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएशन आप पास कर रहे हो, इसके लिए आप सोच रहे हैं कि मास्टर डिग्री करने वाला हो, इंटीग्रेटेड कोर्स करने वाला हो, बहुत सारे कोर्स यहाँ पे यूनिवर्सिटी में है, IMD है, तो इसके लिए बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा सोच रहे हो कि मैं ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री रेगुलर करना है मुझे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से, तो इसके लिए मेरा जो वीडियो और मेरा जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास दे रहा हूँ इसको अंत तक देख लीजिएगा। इसके लिए आपको कोई दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठ के आपका मोबाइल हो, आपके पास लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, तो इसके लिए आप कर सको। चलिए मैं आप लोगों को अभी फॉर्म फिलअप दिखाता हूँ कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। देखिए जो अभी जो मैंने पेज खोला था इसके नीचे ही स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे देखिए मैं आपको वहाँ पे उठा के भी दिखा रहा हूँ। देखिए अभी मैं जहाँ से आपको कोरिजेंडम दिखाया था इसका नीचे जो हमारा ऑनलाइन का
स्टूडेंट का जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि एडमिशन, तो आपको हमारा जो काम है, हमारा जो सब कुछ यहाँ पे करेंगे, जो एडमिशन में यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप लोग एडमिशन में क्लिक करोगे तो आपका जो नया एडमिशन वगैरह जो भी होगा इन्फॉर्मेशन उन लोग यहाँ पे शो करेगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट्स है, रिजल्ट वगैरह आपका अगर बाद में इन लोगों का ज़रूरत होगा, सिलेबस चाहिए होगा, आपका स्कॉलरशिप या प्लेसमेंट जो भी होगा यहाँ पे, जो भी आपको चाहिए होगा, एग्जामिनेशन नोटिस जो भी, इसको आपके यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अभी अभी एग्जामिनेशन में मैंने क्लिक कर दिया हूँ। इसके बाद ऐसा एडमिशन का जो क्लिक करने के बाद देखिएगा ऐसा पेज आप लोगों के पास शो हो जाएगा, जो मैंने आप लोगों के पास पहले दिखाया था कोरिजेंडम एडमिशन के लिए, वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमको ऐसे नहीं चाहिए। देखिए आप अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे को, देखिए यहाँ पे एक सिंबल ब्लिंकिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन एडमिशन 2021, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखिए हमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा हम यहाँ से निकल सकते हैं, देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपको बाद में भी आप देख सकते हो, लेकिन फिलहाल आपको अभी ऑनलाइन एडमिशन में क्लिक करने के बाद ही जो इन्फॉर्म, देखिए यहाँ पे बोला गया कि अभी अगर ये कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे जो पेज मैंने अभी खोला रखा हो यहाँ पे नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, एक्सटर्नल पेज ऐड हो जाएगा। तो मैंने क्लिक कर दिया है, कंटिन्यू कर दिया है, नया पेज यहाँ पे ओपन हो रहा है। देखिए ओपन हो गया है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस भी आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट का भी, इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है उन लोगों के लिए भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद रेगुलर कोर्स, हम लोगों को यहाँ पे काम करना है, रेगुलर कोर्स जो है यहाँ पे हमको काम करना है, यहाँ पे क्लिक भी करना है हमको। यहाँ से भी जो इन्फॉर्मेशन, जो फॉर्म फिलअप जो भी होगा हमारा यहाँ से होगा। चलिए हमको यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर दीजिए क्या। इसके बाद देखिए जब क्लिक करोगे यहाँ पे आपको जो फॉर्म फिलअप का जो ऑप्शन आ जाएगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, क्या क्या आपको जो आपको फॉर्म, हाँ देखिए मैं बोला था कि 30 जून तक इन्फॉर्मेशन के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके जी कोरिजेंडम में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आपका पास वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, इस क्योंकि मोबाइल नंबर ईमेल आईडी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है लॉगिन करने के लिए। आपको पासवर्ड को भी आपको याद रखना है जो आपके पास, देखिए बोला गया अगर आपने एडमिशन कर लिया, फॉर्म फिलअप कर दिया, आपका मोबाइल मैसेज या ईमेल से आपका पासवर्ड आपका यहाँ पे भेजा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड आपने खुद नहीं बना सकते हो, आपको क्या होगा आपका जो फॉर्म फिलअप करोगे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी, यहाँ पे या जो पासवर्ड है जो ये सिक्योर्ड होगा आपका ईमेल या मोबाइल नंबर से आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे फी के बारे में कुछ बोला गया कि यू आर हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो इसके लिए 800 रुपीज़, और फीस बोला गया कि ST SC PWD जो भी है इस लोगों के लिए 600 रुपीज़, ठीक है। जो कैटेगरी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप लोग इन लोग इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा, जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जो रूल्स उन लोगों ने डिक्लेरेशन दिया गया है, पढ़ने के बाद आपको नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे दो ऑप्शन दिया हुआ है, गो टू क्वालिफाइंग एग्जाम मार्क एंट्री, यहाँ पे हमको नहीं जाना है, हमको क्या जाना है, गो टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, हमको यहाँ पे काम करना है, उसके लिए जो अलग से बाद में हम देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ, अभी क्लिक करने के बाद देखेंगे कि क्या ऑप्शन आते हैं हम लोगों के पास, ठीक है। चलिए मैं क्लिक कर दिया हूँ यहाँ पे। अभी आपको क्या करना है, बोला गया कि आपको ईमेल आईडी पासवर्ड देने के, देखिए अभी मेरे पास ईमेल आईडी पासवर्ड कुछ भी नहीं है, अभी हमको नया रजिस्टर्ड करना है, हमको भी हमको नया रजिस्टर्ड करना है और हमको पासवर्ड बनाना है, ईमेल आईडी जो यूज़र आईडी बोलते हैं इसको बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए नीचे एक ऑप्शन होगा न्यू यूज़र, जो न्यू यूज़र है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया रजिस्टर्ड नाउ, तो हमको यहाँ पे रजिस्टर्ड नाउ को क्लिक करके हमको पहले जो स्टूडेंट्स जो है उसको रजिस्टर्ड करना है, इसके बाद लॉगिन पेज में फिर से आना है, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड भी नहीं चाहिए, फॉरगेट यूज़र नेम भी नहीं चाहिए, अगर आपको ईमेल आईडी या यूज़र नेम पासवर्ड भूल गए आपकी भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ से निकल सकते हो, ठीक है। चलिए हम फिलहाल हमको रजिस्टर्ड नाउ में क्लिक करते हैं। रजिस्टर्ड में नाउ में क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास और एक ऑप्शन आ जाएगा, आपका रजिस्टर्ड करने के लिए आपको नाम चाहिए होगा, आपकी ईमेल आईडी चाहिए होगा, आपका मोबाइल नंबर, वो तीन चीज़ आपके पास ज़रूरी है, आपका नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, तीनों चीज़ आप लोग जब देने के दोगे, इसके बाद आपके कैप्चा यहाँ पे देखिए नीचे कैप्चा दिया हुआ है, या इसके देने के बाद आपको सबमिट करना है। देखिए आपका जो ईमेल आईडी है उसको आपको ईमेल आईडी, ऐसा ईमेल आईडी देना है कि आपको रेगुलर आप यूज़ करते हो, ऐसा ईमेल आईडी मत देना कि आप ईमेल आईडी बना चुके हो लेकिन अभी खोल नहीं रहे हो, ठीक है। तो ऐसा ईमेल आईडी देना है आपको जो आप करंट ईमेल आईडी है जो आपकी एक्टिव है,
क्योंकि ईमेल आईडी में आपका जो पासवर्ड सेंड हो जाएगा मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिखाने के लिए दिए दियो। यहाँ पे देने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट में क्लिक करना है। ठीक है, जब आप लोग सबमिट में क्लिक करोगे तो इसके बाद आपको जो नेक्स्ट जो पेज होगा रजिस्ट्रेशन पेज आपके पास शो हो जाएगा, या जो आप लोग यहाँ से आप प्रोसेसिंग हो जाए। देखिए मेरे पास मैसेज भी आ गया है कि मेरा जो पासवर्ड है सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो गया है और मेरे ईमेल आईडी में भी यहाँ वो सेंड हो गया है। और मोबाइल नंबर जो भी होगा आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जो भी होगा इससे आपको यहाँ पे पासवर्ड सेंड कर दिया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे आपको क्लिक नेक्स्ट में क्लिक कर दिया मैंने लॉगिन पे। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा देना के बाद आपको लॉगिन में जाना है। चलिए मैं लॉगिन करता हूँ, देखता हूँ कि अंदर में क्या है, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। चलिए मैं अभी यहाँ से फिलअप कर रहा हूँ कैप्चा को। आप जब कैप्चा ऑलरेडी दे दिया है इसके बाद आपको लॉगिन में क्लिक करना है। जब लॉगिन में आप क्लिक करोगे इसके बाद इसके अंदर में जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने दिया हो, देखिए यहाँ पे मैंने मुझे पूछ रहा है कि मेरा डेस्कटॉप में आपका पासवर्ड सेव करना है कि नहीं। नहीं, मैंने आपका चाहिए तो सेव कर सकते हो, नहीं तो नहीं, नेवर भी कर सकते हो। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर में आ जाता है, मोबाइल में नहीं आता है। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ। मैंने यहाँ पे बोला गया कि 30 जून तक मेरे पास जो टाइम है, तो कॉरिजेंडम जो इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को पहले ही वहाँ उस एप्लीकेशन में दिखाया था, कॉरिजेंडम दिखाया था, अभी वहाँ पे भी सेम इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने दिखा रहा है। चलिए यहाँ पे लिखा है गो टू ऑनलाइन एप्लीकेशन, हमको अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है। मैंने ऑलरेडी क्लिक भी कर दिया हो तो अभी मुझे फिलअप करना है कि ऑनलाइन फॉर्म पे। देखिए अभी जो फर्स्ट स्टेप्स है यहाँ पे एड कोर्स बोलना कि कौन सा कोर्स में आप यहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हो, एडमिशन होना चाहते हो। देखिए जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। देखिए हमको फिलहाल पीजी प्रोग्राम करना है, पीजी डिप्लोमा में करोगे तो ये जो कोर्स है वो हमको नहीं चाहिए होगा। ठीक है, तो हमको ये नहीं चाहिए, हमको पीजी प्रोग्राम चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स का बहुत सारे सब्जेक्ट हमको एमए एजुकेशन में करना है। ठीक है, चलिए एमए एजुकेशन में हो गए, हमारा एड कोर्स करना है, आपको एड कोर्स कर दिया है मैंने आपको। इसके बाद देखिए मेरा कोर्स एड हो गया है, मेरा प्रोग्राम एड हो गया है। अभी आपको ये डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है, कर सकते हो आप लोग। ठीक है, सक्सेस हो गया। आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको क्लिक हेयर टू एप्लीकेशन में क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे नीचे हुआ दिया हुआ है डिलीट के पहले क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन जो इन्फॉर्मेशन जो प्रोफॉर्मा यहाँ पे आ जाएगा, एडमिशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स के बाद आपका जो फाइनल होगा आपका एप्लीकेशन। इसके लिए आपको पहले अप्लाइंग एडमिशन प्रोग्राम जो जो एप्लीकेशन कर रहा हूँ इसके लिए तो मैंने पहले ही भर चुका हूँ। यहाँ पे मास्टर डिग्री कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे बोला गया कि आप कहाँ से, एग्जामिनेशन सेंटर का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, 3 आपका ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी एग्ज़ाम हो तो, देखिए ये वो तो मैंडेटरी नहीं है, अपने ऐसे नहीं कि उसको मैंडेटरी देना है। ठीक है, चलिए एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा तो आपका जो लकी हो, और एग्ज़ाम होगा तो जो भी सेंटर में होगा आपके इसलिए उन लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो पहले वाला जो बहुत सारे वीडियो में देखा हो कि एग्ज़ाम नहीं होगा, अगर एग्ज़ाम नहीं होता तो ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं लेता, उन लोग आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हटा दिया गया होता। ठीक है, तो आप अगर उन लोग आपके पास ले रहे हैं तो ऐसे भी एग्ज़ाम अगर हो तो आपको ऐसा सेंटर में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। देखिए मैं अभी 3rd स्टेप में खुला हूँ, एक ऐसे मैं सभी स्टेप यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे करना है, आपका जो डिटेल्स आपका मार्क्स डालना है। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टेप दिखा रहा हूँ। ये जो स्टेप है आपको पेमेंट करना है, आपको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग आपका जो भी है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी है आपके पास। यहाँ पे आपको फोटो देना है, जो इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे बोला गया कैटेगरी जो भी है ST SC OBC, आपको यहाँ के क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर जो भी है उसको यहाँ पे देना है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना है। फिलहाल अभी मैंने पहले वाला फिलअप किया, आपको बाकी सब फिलअप करने के बाद आपको 6 जो स्टेप है पूरे के पूरी कंप्लीट करना है। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को बोलता हूँ कि पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद आपको ये फॉर्म फिलअप करिएगा। मैं जो प्रोसीड्यूर आप लोगों को दिखा हूँ इस प्रोसीड्यूर में आप जाइएगा और फॉर्म फिलअप करिएगा, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो करने के लिए कोशिश करूँगा। चलिए धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए।